नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आप तो पहले से ज्यादा मोटी हो गई हैं। कैसे? वो दरअसल हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना, इसलिए। फ्रिज का मोटापे से क्या लेना देना? जिस दिन घर में खाना बच जाता है तो उसको बचाकर कहाँ रखेंगे, इसीलिए सारा का सारा खाना खा जाना पड़ता है। और आपने तो कहा था कि खेलने से मोटापा कम हो जाएगा। कितना समय खेलती हो? जब भी समय मिलता है मैं खेलती रहती हूँ। अच्छा, फिर तो मोटापा घटना चाहिए था। कौन सा खेल खेलती है वैसे? कैंडी क्रश। आप जाइए दूसरे डॉक्टर को दिखाइए। मुझे तो पहले ही पता था आप फर्जी डॉक्टर हो। नेक्स्ट। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आओ मिस्टर पी के गिर पड़े। शराब पीना बंद किया कि नहीं किया? डॉक्टर साहब बिल्कुल बंद कर दिया है। जब कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है बस तभी पीता हूँ। बहुत अच्छा। और ये साथ में दूसरे आदमी कौन खड़े हैं? ये इनको ही मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। ओह नो! डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी करिए लेकिन मेरी शराब छुड़वा दीजिए। छुड़वा तो मैं सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। ठीक है तो चलिए। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? वहाँ क्यों? पुलिस ने ही तो मेरी 20 बोतल शराब जब्त कर रखी है, वही छुड़ानी है। चल भाग यहाँ से बेवड़ा कहीं का। नेक्स्ट पेशेंट। ये तुम्हारी आँख क्यों सूजी है भाई? कल मैं अपनी बीवी के जन्मदिन पे केक लाया था। तो इसका आँख सूजने से क्या लेना देना? डॉक्टर साहब मेरी बीवी का नाम तपस्या है और उस हरामखोर केक वाले ने तपस्या की जगह हैप्पी बर्थडे समस्या लिख दिया। डॉक्टर साहब उम्र लंबी करने का कोई तरीका बताइए। एक शादी और कर लो, इससे उम्र लंबी हो जाएगी। लंबी तो नहीं होगी लेकिन इसके दो फायदे होंगे। एक, लंबी उम्र की चाहत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दो, जो बाकी बची हुई जिंदगी है वो भी बहुत लंबी लगने लगेगी। डॉक्टर साहब कोई और तरीका बताओ। एक काम करो, सुबह शाम खूब खाया करो। वो तो मैं रोज खाता हूँ और कभी कभी तो दिन भर खाता हूँ। क्या खाते हो? बीवी के ताने। तुम जाओ यहाँ से यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम जाओ। नेक्स्ट पेशेंट। तुम फिर आ गए? तबीयत कैसी है अब? पहले से ज्यादा खराब है। अच्छा, दवाई खाली थी? नहीं, दवाई तो भरी हुई थी। मतलब कि दवाई ले ली थी? हाँ, आपने दी थी तो मैंने ले ली थी। बेवकूफ, दवाई पी ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो नीली थी। बेवकूफ इंसान दवाई को पी लिया था? कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। बेवकूफ इंसान दवाई को मुंह में रख दिया था? नहीं तो, आपने तो फ्रिज में रखने के लिए कहा था। अबे तू अब मार खाएगा। नहीं नहीं, मैं तो दवाई खाऊंगा। पागल वागल है क्या बे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं पागल ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा मैं। पर तू पागल हुआ कैसे? बड़ी लंबी और दुख भरी कहानी है डॉक्टर साहब, क्या आप सुनेंगे? ना भाई, मुझे तेरी कोई कहानी नहीं सुननी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर यहाँ तो शैतान ने सफेद कोट पहना हुआ है। ए रोमत रोमत, बाकी पेशेंट भाग जाएंगे। चल सुना अपनी कहानी सुना। कौन सी कहानी? अरे वही कि तू पागल कैसे हुआ। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब मैंने एक विधवा औरत से शादी की और मेरे बाप ने उसकी जवान बेटी से। तो इस तरह से मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। फिर उनके घर में एक बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, लेकिन मैं उसकी नानी का पति था तो इस रिश्ते से वो मेरी नातिन भी हो गई। फिर इसी तरह से मेरा बेटा अपने दादी का भाई। और चुप कर बे साले, तू मुझे भी पागल बना देगा। भाग यहाँ से। जा रहा हूँ। फिर कब आऊँ? मरने के बाद। आपके मरने के? हाँ मेरे ही। कितने दिन बाद? तू जाता है या जीते से मार तुझे।